हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इसको एक ही उसमें वीडियो में पूरा रिवीजन करेंगे इसका, ठीक है, बोर्ड क्लासेस के लिए। तो शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप होती कैसे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है यूजिंग फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन मीन्स, जैसे तो कोई इक्वेशन तुम्हारे पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इजिकल टू जीरो, तो ज़्यादातर क्या होगा, इसके अंदर मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाले फैक्टर्स होंगे, है ना। तो टू के फैक्टर्स करो, तो इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इजिकल टू जीरो। अब इसको फैक्टराइज करना है, टू के फैक्टर्स करो जिनका सम थ्री आए, टू वन या टू, टू वन या टू, और टू प्लस वन होता है थ्री। तो फैक्टर्स होंगे इसके एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इजिकल टू जीरो। एक्स कॉमन ले लो इसके अंदर, दिस इम्प्लाइज एक्स कॉमन, एक्स माइनस टू माइनस वन, एक्स माइनस टू इजिकल टू जीरो, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन इजिकल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस टू इजिकल टू जीरो और x माइनस वन इजिकल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू टू और x की वैल्यू वन, ये दो वैल्यू मिलती हैं इसकी, ठीक है। इसके कहलाते हैं रूट्स, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने पर इसके दो रूट्स मिलेंगे। तो एक रूट्स मिला आपको टू, दूसरा रूट मिलता है वन, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं, रूट वाली प्रॉब्लम है, जिसमें बच्चे प्रॉब्लम काफ़ी होती है बच्चों को, रूट टू एक्स स्क्वायर, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू इजिकल टू जीरो। देखिए कैसे फैक्टर करना है, इसके रूट टू इंटू फाइव रूट टू, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा, रूट टू इंटू रूट टू होता है टू, तो फाइव इंटू टू दैट इज टेन, और फाइव प्लस टू होता है सेवन, फाइव प्लस टू इजिकल टू सेवन। तो क्या करना है इसको, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव रूट टू इजिकल टू जीरो। अब इसके पेयर बना करके कॉमन लेंगे, ठीक है। क्या कॉमन है इसके अंदर, x, तो रूट टू एक्स प्लस फाइव, इसमें क्या कॉमन, देखो रूट टू और टू, टू को भी लेंगे हम रूट टू इंटू रूट टू, तो कॉमन मिलेगा इससे रूट टू, तो टू को लिखा रूट टू इंटू रूट टू एक्स प्लस फाइव रूट टू इजिकल टू जीरो। एक्स रूट टू एक्स प्लस फाइव, रूट टू कॉमन ले लो इसमें, तो रूट टू एक्स प्लस फाइव इजिकल टू जीरो, तो रूट टू एक्स प्लस फाइव और एक्स प्लस रूट टू इजिकल टू जीरो, दोनों को अलग अलग जीरो रख देंगे। एक वैल्यू तो इससे मिलेगी एक्स इजिकल टू माइनस फाइव अपॉन रूट टू, एक वैल्यू इससे मिलेगी एक्स इजिकल टू माइनस रूट टू, ठीक है। इस तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी उसका आप फैक्टराइज कर सकते हो, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इक्वेशन के आप फैक्टर नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है, अगर इक्वेजन मेरे पास ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो,
तो सबसे पहले डी काल निकालेंगे इसके अंदर डी डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। अगर डी की वैल्यू आती है जीरो जीरो से बड़ी, इफ डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, तो उस केस में जो एक्स की वैल्यू तभी निकलेंगी आपकी, तो एक्स वैल्यू होंगी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। तो एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन, और इस तरह से एक्स की हमें दो वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपको रूट्स गिवन हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। इफ रूट्स आर गिवन, सपोज रूट्स हमारे पास अल्फा और बीटा हैं, तो इक्वेशन क्या होगी, लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस आपका सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस तरह हम इक्वेशन बना सकते हैं। उसके बाद यूजिंग फॉर्मूला फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक एग्जांपल हमारे पास है। अगर आप पास इक्वेशन ही है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, आपसे कहना है इसके रूट्स फाइंड करो। तो कैसे रूट्स फाइंड करेंगे इसके हम, अब देखो फैक्टराइज मेथड से इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि 1 के फैक्टर्स करें जिनका सम 4 आए, नॉट पॉसिबल। तो क्या करें, तो फॉर्मूला यूज करें इसके लिए हम। फॉर्मूला क्या है जी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। तो एक्स वैल्यू मिलेगी हमारे पास में माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर 16 माइनस 4AC 1 इंटू 1 अपॉन 2A। तो एक्स मिलेगा माइनस 4 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 2, माइनस 4 प्लस माइनस 12 लेंगे 4 3 या 12 तो 2 रूट 3 अपॉन 2, इसमें आप 2 कॉमन ले सकते हैं, माइनस 2 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो रूट्स मिलेंगे अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस रूट 3 और बीटा मिलेगा माइनस 2 माइनस रूट 3। ठीक है, उसके बाद एक चीज आती है नेचर ऑफ रूट्स ना, बिना रूट्स फाइंड करिए हम कैसे फाइंड कर सकते हैं रूट्स की नेचर कैसी है, रूट्स रियल हैं अनइक्वल हैं इक्वल हैं कैसे होंगे। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, डी फाइंड करें, है ना, फाइंड डी दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4AC। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, इसको लगा दिस इंप्लाइज रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर डी की वैल्यू आती है जीरो, दिस इंप्लाइज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डी आता है लेस देन जीरो, तो उस केस में रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, तो इस केस में हम रूट्स फाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, रूट्स फाइंड करने के लिए रूट्स कैसे होने चाहिए, रियल एंड इक्वल या रियल अनइक्वल, ये दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम शुरू करते हैं, इस पे बेस प्रॉब्लम शुरू करेंगे। अब प्रॉब्लम आपकी इस तरह भी आ सकती है ना, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक नहीं होगी, क्वाड्रेटिक बनेगी उसके अंदर इक्वेशन। जैसे एक प्रॉब्लम है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू थ्री, इसको सॉल्व कर रहा है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एलसीएम ले लो आप, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, तो इससे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री एक्स। ठीक है, तो इससे क्या मिल जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो करें इसके फैक्टर्स, वन के फैक्टर्स करो ताकि उनका डिफरेंस थ्री आए, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें डी का यूज़ करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यूज करें फॉर्मूला, पहले डी निकालो, डी क्या मिलेगा, माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, नाइन प्लस फोर थर्टीन, तो थर्टीन ग्रेटर देन जीरो है, तो रूट्स पॉसिबल हैं इसके। तो रूट्स क्या मिलेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए। तो एक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस बी एंड थ्री प्लस माइनस रूट थर्टीन अपॉन टू ए। इस तरह से दो वैल्यू सॉल्व होके आएंगी। ठीक है, अब हम एक दो प्रॉब्लम ऐसे लेते हैं जिसमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे या के की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब एक प्रॉब्लम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इक्वेशन है, प्रॉब्लम है, के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इजिकल टू जीरो ना जी। के फाइंड करना है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल फाइंड के। तो पहले तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में सेट कर लो इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो उसमें, के एक्स स्क्वायर माइनस टू के प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। एज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो उससे क्या मिलेगा, डी की वैल्यू मिलेगी जीरो। करेक्ट, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, बी की वैल्यू माइनस टू फोर, ए की वैल्यू के अरे सिक्स इक्वल टू जीरो। फोर माइनस ट्वेंटी फोर के, हाँ इसमें देखो मल्टीप्लाई की थी हमने कि एक्स स्क्वायर, यहाँ टू के एक्स भी मिलेगा, प्लस सिक्स इजिकल टू जीरो, डी इजिकल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर इजिकल टू जीरो, तो बी की वैल्यू है टू के, तो यहाँ फोर के स्क्वायर होगा, फोर के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर के इजिकल टू जीरो। तो सॉल्व करें इसको, क्या कॉमन है इसमें, फोर के कॉमन, के माइनस सिक्स, अलग अलग जीरो रख दो, तो के की वैल्यू जीरो टू सिक्स। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है ये,
एन एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर. ठीक है. इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर मोर आवर देन पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स. तो हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस 132 किलोमीटर. ठीक है. लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए लेते हैं हम एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आवर. तो हाई टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन क्या होगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 132 अपॉन एक्स. ठीक है. उसके बाद टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन 132 अपॉन एक्स प्लस 11. अब इसमें क्या है, देखो ये टाइम है, इस टाइम से 1 आवर मोर है. ठीक है. तो लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 132 अपॉन एक्स प्लस 11 माइनस 132 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1. ठीक है. तो सॉल्व करें इसको, एक्स एक्स प्लस 11 132 को इसमें बाहर रखो इस तरह से, एक्स टर्म यहाँ आएगी. और टाइम एक्चुअली ये ज़्यादा लेगी इसके अंदर. ठीक है. और ये कम क्योंकि स्पीड ज़्यादा है ना, तो ये टाइम इसमें अब इसका टाइम ज़्यादा होगा इस कम होगा, तो हमने उल्टा लिखा है इसको, यहाँ माइनस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. तो ये ठीक हो जाएगा. तो एक्स माइनस माइनस एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 1. एक्स एक्स खत्म हो गया और ऊपर मिलेगा माइनस 132 एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स एक्स प्लस 11. माइनस से माइनस खत्म करो तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 132. एक्स एक्स कैंसिल होगा. ओके. तो ये आंसर आएगा तुम्हारा 132 इंटू 11 माइनस 132 इंटू 11 इज इक्वल टू 0. अब इसके फैक्टर्स करो जिनका डिफरेंस आए 11. 132 इंटू 11 इसके फैक्टर होते हैं 11 इंटू 12 इंटू 11. ठीक है. तो 11 12 करो, 3 4 या 12 इंटू 11 तो 33 यहाँ से मिलेगा, 44 यहाँ से, 33 इंटू 44. तो ये फैक्टर होते हैं इसके, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस दिस 132 इंटू 11 इज इक्वल टू 0. एक्स कॉमन लो, एक्स प्लस 44 माइनस 33 कॉमन, एक्स प्लस 44 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 44 और एक्स माइनस 33 इज इक्वल टू 0. तो सॉल्व करके मिलेगा दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस 44 और एक्स इज इक्वल टू 33. अब चूंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे और स्पीड होगी एक्स इज इक्वल टू 33. तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड होगी 33 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. और तो यहाँ की वीडियो में ही ख़त्म करते हैं और आप इस तरह से एक दो प्रॉब्लम और प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे. ओके. थैंक यू.